अभी आपने अपने क्लास में सीखा है अक्षरमाला लिखना भी सीख लिया है और गिनती भी सीख लिया है, ठीक है। अभी हम क्या सीखेंगे, नए शब्द बनाना सीखेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको उदाहरण के साथ दिखाऊंगी, उसी तरीके से आपको सीखना है, ठीक है। अभी आपको नए शब्द बनाना सीखना है, ठीक है। कैसे बनाना है मैं अभी आपको वो सिखाऊंगी। नए शब्द बनाइए, ठीक है। नए शब्द बनाइए, देखिए मैं आपको उदाहरण के लिए एक दिखाऊंगी, उसी तरीके से आपको लिखना है और नए शब्द बनाने, ठीक है। हो गए, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी मैं एक एक करके यहाँ पे अक्षर लिखूंगी, जैसे कि ज ल म त और ट, ठीक है। अभी आपको कैसे लिखना है, उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जल, ठीक है, जल। यहाँ तो ऐसे लिख सकते हैं या तो आप यहाँ लाइन पकड़कर जल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला है गल, गल, गल। उसके बाद है गम, ग म गम, ग अधिकत गत, ग अधिकत गट। ऐसे आपको नए अक्षर, नए शब्द, नए अक्षर बनाने हैं। अभी ये हो गया एक एग्जांपल। अभी मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगी, वो आपको खुद घर बैठ के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी ये मैं हटा दूंगी और दूसरा वाला आपको एग्जांपल के लिए आपको दूसरा वाला वर्ड दूंगी, आपको वो खुद क्रिएट करना है, ठीक है। ये वाला जो है मैंने आपको होमवर्क के लिए देना है, ठीक है। नए शब्द इसको आपको बनाने हैं, यानी कि मेक न्यू वर्ड्स, यू हैव टू मेक न्यू वर्ड्स। नाउ आई टोल्ड यू, नाउ आई टॉक टू यू वन एग्जांपल हाउ टू डू, ओके। नाउ योर ड्यूटी टू डू दिस वन, ओके। क स इज इक्वल टू कस, यू हैव टू राइट लाइक दिस, ओके। नाउ आई गो टू नेक्स्ट, और उचित शब्द और चित्रों को जोड़िए और यानी कि मैच द फॉलोइंग यू हैव टू डू। आई शो टू यू हाउ टू डू इट, ओके। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है उचित शब्द और चित्रों की जोड़ियाँ बनाइए। नाउ आई विल ड्रॉ पिक्चर्स एंड आई राइट इट डाउन नेम्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैच दैट वर्ड्स। आई विल राइट
सियर। अभी यहाँ पर मैं शब्द लिखूंगी, ठीक है, मटका, घर, आम, नल, कमल, ठीक है। अभी इसको मैं जोड़कर लिखकर बताती हूँ आपको। कमल कहाँ है, कमल किसे कहते हैं, यहाँ पे कमल है, ठीक है। ये हो गया मैच स्कूल। अभी ये क्या है, पॉट है, पॉट को हम क्या कहते हैं, मटका, मटका है यहाँ पे। तो घर कहाँ है, यहाँ पे, और टैप नल कहाँ है, यहाँ पे, और आम कहाँ है, यहाँ पे। ये हो गया एक उदाहरण। अभी आपको मैं उसी ही तरह का अलग एक उदाहरण बता दूंगी, आपको वो अपने घर में होमवर्क पे बुक पे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, अभी आपको जोड़कर लिखना है। सेब, बत्तख, एड़ी, अंगूर, तो अभी मैं आपके को यहाँ पे पढ़कर दिखाऊंगी। ये इमली है, सेब है, बतख, एड़ी, अंगूर, इसको अभी आपको जोड़कर लिखना है। यह है बतख, ये है अंगूर, ये है इमली, ये है सेब, ये एड़ी, अभी आपको जोड़कर वो लिखकर आना है, यानी कि लिखकर रखना है। अगले क्लास में हम मिलेंगे नए वाले अक्षरों को, पांच अक्षर यानी कि दो अक्षर वाले शब्द को लिखा हमने सीखा है, तो आगे के क्लास में हम दूसरा कुछ नया वाला सीखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।